ओपोजिशन जो लगातार इल्जाम लगा रही है कि उनके खिलाफ कैसे एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहा है, कल उसका फिर से आपको एक दोबारा से सुनने को मिलेगा यही आरोप, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल 11 अप्रैल को बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बिहार को अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में बुलाया। आपको याद होगा इससे पहले भी तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में पूछताछ उनसे हो चुकी है, तब भी वो कोर्ट भी गए थे इस बात को ही लेकर कि उनको इस बात में परेशान किया जा रहा है, लेकिन कल फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको, तेजस्वी यादव को, मुख्यमंत्री जो है बिहार के, उनको यहां पर दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए लैंड फॉर जॉब स्कैम जो था, जिसमें कहा गया था कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने लोगों को नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी देने का एक पूरा घोटाला किया था, इसी को लेकर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो जांच चल रही है, उसमें कल तेजस्वी यादव को पेश होने के लिए कहा गया है। इसमें लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की जा चुकी है और सीबीआई भी इसी मामले में अपनी जांच अलग से कर रही। मुकेश एक बार फिर से इस जानकारी लेकर हमारे साथ है। मुकेश, तेजस्वी यादव के लिए कल फिर पूछताछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने आप पेश होंगे, कितनी मुश्किल है तेजस्वी यादव के लिए और क्या कहीं ना कहीं एक जो भय बना हुआ है उनके ऊपर, गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, जो तेजस्वी यादव हैं, कल उनको 11 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है, हालांकि कोर्ट के आदेश पर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन ईडी ने भी लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और उसी मामले में उनसे पूछताछ होनी है। हालांकि जो सीबीआई की एफआईआर है उसमें वो आरोपी नहीं है और जो सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है उसमें भी वो आरोपी नहीं है, लेकिन उन पर आरोप यही है कि जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो जिन लोगों को नौकरी मिली रेलवे के ग्रुप डी में, उन लोगों से जो जमीन ली गई, ये जमीन एक कंपनी एके इन्फोसिस के नाम की गई और आरोप ये है कि इस कंपनी में 50% शेयर तेजस्वी यादव के हैं और 50% शेयर जो उनकी माँ राबड़ी देवी है उनके हैं। तो जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि जो अपराध से आय हुई है, जो लाभ हुआ है, उसके लाभार्थी हैं तेजस्वी यादव, इसीलिए ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है और जो पूरी मनी ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो कल 11 बजे उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सब जानकारी लेकर जुड़ने के लिए मुकेश। आगे बढ़ते हैं और जिस खबर को लेकर आज सवाल इंडिया का शुरुआत करने वाले थे, दो ब्रेकिंग न्यूज आई, उसकी वो खबरें भी आप तक पहुंचानी जरूरी थी। वो जरूरी सवाल कर्नाटक चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव अब बस समझ लीजिए महीना भर ही रह गया है। 10 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख तक कर्नाटक के अंदर जो कैंपेनिंग है 8 मई तक वो चलेगी। अब हर तरह के मुद्दे रोज सामने आ रहे हैं और उसी में दूध के ब्रांड को लेकर क्या सियासत चल रही है वो भी एक नया मुद्दा बनकर सामने कर्नाटक में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। कर्नाटक में दो दूध के ब्रांड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज इसको लेकर सड़क पर जमकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस सत्तारूढ़ बीजेपी से आमने सामने है, भिड़ गई है, उन पर हमला कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म कर अमूल को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में राज्य में कई जगह पर नंदिनी ब्रांड के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कुछ लोकल जो संगठन है वो भी इसके ऊपर जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कांग्रेस के डीके शिवकुमार जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने नंदिनी के एक बूथ पर जाकर लोगों से इसे खरीदने की अपील की। इस बीच अमूल को उस वक्त एक और झटका लगा जब राज्य के किसानों ने समर्थन में बेंगलुरु के होटल संघ ने भी अपने होटल में केवल नंदिनी दूध के इस्तेमाल का फैसला किया है। दरअसल ये विवाद अमूल के एक ऐड के साथ शुरू हुआ जिसमें उसने जल्द राज्य में अपनी मौजूदगी की बात कही थी।
इस एड के साथ राज्य के कई हिस्सों में गो बैंक अमूल का गो बैक अमूल का हैशटैग जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गया और मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग भी ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे अगर आप कर्नाटक में नहीं रहते हैं तो नंदिनी है क्या, क्या है नंदिनी, पहले आपको वो बताते हैं। कर्नाटका में मिल्क फेडरेशन, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMF का जो ब्रांड है वो नंदिनी है। जैसे अमूल भी एक सहकारी संघ है, गुजरात में बना हुआ सहकारी संघ है जो अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, वैसे ही नंदिनी भी वहां पर एक सहकारी संघ से जुड़ा हुआ है और वो ब्रांड है नंदिनी। देश के दूसरे सबसे बड़े दूध सहकारी संस्था जो है वो नंदिनी है। नंदिनी के प्रोडक्ट कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक में उपलब्ध होते हैं। सभी जो इनके उत्पाद हैं वो गाय के दूध से तैयार किए जाते हैं। 2018-19 में नंदिनी का एनुअल टर्नओवर जो था वो करीब 1,55,000 करोड़ रुपए का था। अब KMF कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जो है 18 लाख से अधिक जो दूध उत्पादक लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब दिग्गज कन्नड़ एक्टर राजकुमार, पुनीत राजकुमार, श्रेया सरन बिना पैसे लिए इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर 18 लाख से अधिक दूध विक्रेता इसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये कितना बड़ा वोट बैंक भी है। साथ ही साथ कर्नाटक में अमूल की एंट्री को लेकर विवाद क्या है ये भी जरा फटाफट आपको समझा देते हैं। अमूल देश का नंबर वन ब्रांड है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल ने की थी और 5 अप्रैल को ट्वीट करके जब यह कहा गया कि बेंगलुरु में जो अमूल दूध दही और उत्पाद है उसकी आपूर्ति शुरू करने जा रहा है तो इसको लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया। अब कर्नाटक में इसको लेकर जो सियासत हो रही है जरा वो भी समझ लीजिए। नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की साजिश है ऐसा कांग्रेस कह रही है। जब अपना ब्रांड है तो गुजरात से मिल्क प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, यह सवाल भी कांग्रेस उठा रही है। सोशल मीडिया पर अमूल के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। विपक्ष बिना वजह इसे तूल दे रहा है ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। राज्य में नंदिनी के अलावा 18 अलग अलग ब्रांड के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं तो उन पर कोई आपत्ति नहीं है, तो यह क्या नया विवाद शुरू कर दिया गया है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा ऐसा मुख्यमंत्री कर्नाटका ने आश्वासन दिया है। तो इस पर जरा सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। भाई हमारा नंदिनी ब्रांड है कर्नाटक का, जबरदस्त है और हमारा हमारी सरकार है ना, तभी उनका कांग्रेस के सरकार में प्रोक्योरमेंट कम था, हमारा डबल हो गया है, प्रोडक्शन डबल हो गया, मार्केट डबल है और हम पूरा देश भर हम ये कर रहे हैं। ये चुप्पी इलेक्शन के टाइम पे ये राजनीति कांग्रेस और JDS कर रहे हैं, इस बातों में कुछ मतलब नहीं है। नंदिनी हमारे राज्य के रहित्र के उनका एक घर का ये संसार का है। रही बात और अमूल का, ये अमूल पर दूसरे राज्यों से इधर राज्यों में हमारे गवर्नमेंट का नंदिनी ब्रांड को ये नानक ये निर्नाम करने के लिए आ रहे, हम करने नहीं देते। वो क्यों बोलते हैं बोले तो गुजरात केंद्रीय संसद के केंद्र के कंपनी है, बीजेपी में सरकार राज्य के सरकार बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। उसने नरेंद्र मोदी के गांव का गुजरात का जो प्रोडक्ट अमूल उसने उन्होंने बीजेपी वाले बोलते अमूल देश के बोलते। तो इसको लेकर इतनी जबरदस्त राजनीति है, चुनाव का माहौल है, तो क्या एक तरीके से कर्नाटक की जो कन्नड़ अस्मिता है उसको जागृत करने की कोशिश की जा रही है, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की, सरकार इसको क्या रोक पाएगी। निजाम फौजदार साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। KV प्रसाद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी अश्विन गौड़ा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं KV प्रसाद साहब आपसे ही ये जानकारी चाहता हूं, जरा इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए। ये ऐसा पहली बार तो है नहीं कि किसी बाहर का कोई दूध का ब्रांड हो या उसके प्रोडक्ट्स हो वो कर्नाटका में बिक रहे हो, और साथ ही साथ अमूल की जो एंट्री है वो नई तो है नहीं, उसके कुछ प्रोडक्ट तो पहले से ही कर्नाटका में बिकते रहे हैं, तो क्यों इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो रहा है। अंकित जी जैसे आपने कहा माहौल चुनाव का है और अप्रैल 5 को जो ट्वीट आया अमूल की तरफ से तो उससे एक राजनीतिक मुद्दा बनने का अवसर मिल गया है, क्योंकि चुनाव का वक्त है, मुद्दों की तलाश रहती है तमाम सारी पार्टियों को, और चूंकि विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा लगा जैसे आपके आंकड़े भी बता रहे थे, अगर 18 लाख लोग परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, 18 लाख तो उनके और उनके परिवार का व्यापन का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है ये नंदिनी ब्रांड। और साथ ही साथ जो एक इमोशनल इश्यू हो जाता है
और उसको कहीं ना कहीं ये बात सही ठीक है जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बयान भी आए हैं। अभी मुख्यमंत्री की बात आपने रखी थी, उससे पहले लोगों ने ये जरूर कहा है कि भाई और भी ब्रांड्स बिकते हैं, जरूर बिकते होंगे, लेकिन अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको लेकर शायद, और अमूल जैसे ब्रांड नंबर वन है, 66,000 करोड़ की शायद उसका टर्नओवर है, तो बहुत बड़े जी उसके डीप पॉकेट्स हैं। सर, मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से, क्योंकि इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में अपना भाषण दे रहे हैं, तो हमें उस तक जाना होगा। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं गृह मंत्री साहब, फिर वापस। विकास की बयार देखी जा रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश, मेरे मित्र और सांसद श्रीमान तापिर गांव जी, यहां की विधायक श्रीमती पुल, यहां के विधायक श्री भागे, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, धर्मेंद्र जी मुख्य सचिव अरुणाचल प्रदेश, अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के डीजी महोदय, श्री सतीश गोलचा जी डीजीपी अरुणाचल प्रदेश, मेजर जनरल बैंस जी जीओसी, और सुनील बनवाल जी संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, और आज भारत के पहले गांव में उपस्थित आप सभी अरुणाचल वासियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। मित्रों, यहां आया तब रास्ते में वेदर कैसी होगी कैसी नहीं होगी, असम से उड़ते वक्त बीच में उतर जाना पड़ेगा, ऐसी आशंका थी, मगर आप लोगों का प्यार ही है जो वेदर को भी ठीक कर दिया और मुझे भी यहां पर ले आया। मित्रों, आज आते आते भारत की पहले गांव के छोर पर इन पहाड़ियों की ऊंचाई के बीच में से आते हुए सैकड़ों झरनों को दाई और बाई और देखा, इस कुदरत की कृपा जो यहां पर है इसको देखा और मन संतोष और आनंद से हृदय से भर गया। मैंने यहां उतरते ही मेरे मित्र प्रेमा खांडू को कहा कि प्रेमा जी आप यहां एक घर ले दीजिए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब यहां पर रहने के लिए आ जाऊं, ऐसा एक घर लेकर रख दो। साच अर्थ में भारत की सीमा के रखवाले ऐसे मेरे अरुणाचल के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अरुणाचल हमारे वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में, भारत में सूर्य देव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेकर आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है, और आज मैं यहां पर हूं जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है वो धरती पर हूं। मैं आज साच अर्थ में यहां आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूं। मित्रों, किबूथू की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है, और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये जो गृहमंत्री अमित शाह जो अरुणाचल में इस वक्त दौरे पर हैं, बॉर्डर से जुड़े हुए गांव को लेकर बातचीत कर रहे थे। वापस चलते हैं कर्नाटका, लिए चलते हैं आपको, जहां पर दूध को लेकर जंग छिड़ी हुई है, और उसी पर बात कर रहे थे। केवी प्रसाद साहब हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये राजनीतिक माहौल जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है।
हमारे साथ निजाम फौजदार साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और गणेश कार्निक साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले फौजदार साहब आपसे बात समझना चाहता हूं कि दूध को लेकर ये क्या घमासान मचा हुआ है कर्नाटका में। बड़े सारे मुद्दे होंगे सर, अमूल पहली बार भी ऐसा नहीं है कि वहां पर एंट्री मार रहा हो, अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स तो पहले से ही मिलते हैं। बिल्कुल, नमस्कार आप सबको। पहली बात यह है कि बीजेपी के पास वो नाम बदलने की योजना थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब प्रोजेक्ट्स यहां से वहां, वहां से यहां करने का एक नया ट्रेंड चालू किया है इन लोगों ने। ईसा की टोपी मूसा को, मूसा की टोपी ईसा को, इसके सर से टोपी निकालो उसके सर पे पहना दो, यही बीजेपी करना चाहती है। जब कर्नाटक के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम केएमएफ है और वो बेहतरीन काम कर रहा है हर गांव में कर्नाटक के, और वहां के हर किसान को वो सुविधा देता है, उनको प्रॉफिट्स देता है और उनके लिए एक उद्योग की तरह उनको बनाकर दिया है, और उसका हर प्रोडक्ट हर जगह कर्नाटक के अंदर बहुत तेजी से बिकता है। अगर इसको और बढ़ा सकते थे तो हम कहते थे कि बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जब जहां पे मार्केट अच्छा हो, जहां पे एक प्लेयर बहुत अच्छा काम करता हो, वहां पे फिर एक नया प्लेयर को लाना और लोगों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम जब बीजेपी करती है, तो मैं इसीलिए कहता हूं इस चुनावी माहौल में जहां पे सरकार मशहूर हो चुकी है 40% की सरकार और हर जगह माहौल जहर उगलती है, आज मिठाई खाकर जहर उगलने का काम कर रही है बीजेपी। है, ये देखिए आप अपनी अस्मिता, अस्मिता की बात है ना, कर्नाटका की अस्मिता के खिलाफ है। जब गणेश कार्निक साहब, नंदिनी अच्छा काम कर रही है, किसानों को उससे मदद मिल रही है, अपना खुद का होम ग्रोन ब्रांड है, बढ़िया ब्रांड है, क्यों जरूरत पड़ रही है? कह रहे हैं कि आप अमूल को इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप इस ब्रांड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आप एक तगड़े कंपटीशन को लेकर अपने ही होम ग्रोन ब्रांड के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार सबको, नमस्कार। देखिए मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूं 30 साल तक, गांव में है मेरा सोसाइटी। तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल बकवास है। नंबर वन, ये जो आप अमूल की बात कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले से अमूल का कर्नाटक में बिजनेस रहा है। दूसरी चीज, दोडला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आंध्र प्रदेश और आरोग्य नाम का एक कॉपरेटिव सोसाइटी का मिल्क तमिलनाडु से आ रहा है। तीसरी चीज, पिछले 3 साल में कांग्रेस सरकार के टाइम पे जो 63 लाख लीटर पर कलेक्शन था, पर डे कलेक्शन था, वो अभी 83 लाख लीटर तक पहुंच गया है पिछले 4.5 साल में। और केएमएफ का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ कर्नाटका में नहीं है, बाकी स्टेट में वो हो रहा है। चौथा चीज, अमूल के लिए हमने केएमएफ में पर डे 20 लीटर का आइसक्रीम बना के पहले से बेच रहे हैं। तो इसका मतलब जो अमित शाह जी ने जो कहा था कोऑपरेटिव्स के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, उनका जो गुड प्रैक्टिस है, हमारा जो गुड प्रैक्टिस है, दोनों को मिला के कुछ अच्छे काम होना चाहिए। और कर्नाटक में मिल्क प्रोड्यूसर्स को पहली बार डायरेक्टली इंसेंटिव जो दिया है वो माननीय येडियुरप्पा जी के सरकार के टाइम पे दिया था। ये जो चुनाव के टाइम पे जो उठा है ना मुद्दा, ये बकवास है बिल्कुल। चुनाव के टाइम पे लोगों को भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इनके टाइम लोगों को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा आपके ऊपर वापस इल्जाम लगा रहे हैं। निजाम फौजदार साहब, हम जैसे नंदिनी, आप अमूल का विरोध कर रहे हैं, नंदिनी भी सिर्फ कर्नाटक में नहीं बिकता है, कर्नाटक के बाहर भी बिकता है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अब वहां के भी राज्य खड़े हो जाएं, कहें नंदिनी हमारे राज्य में क्यों आ रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा सर? नहीं मेरे भाई, एक सवाल सिंपल है अंकित जी। 1946 में जब अमूल बना था, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल साहब ने मोरारजी देसाई को उन्होंने अगुवाई की करने के लिए कहा था और वहां से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। इस मूवमेंट को खड़ाने वाला भी कौन था?
कांग्रेस पार्टी थी, अब मूल में उसको इतना सशक्त बनाने वाली कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए काम किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। इसको व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था, वहां से ये कहानी शुरू होती है, इसमें बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसी तरह 1980s में कर्नाटक के अंदर कर्नाटक का मिल्क फेडरेशन बनाकर यहाँ पे भी उसी तरह से एक नया मूवमेंट शुरू किया गया था, आज वो हर गांव में पहुंच चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि दो स्टेट्स जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं, कर्नाटका और राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, आप वहां दो स्टेट्स को लड़ाने की का काम क्यों कर रहे हैं? आप बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे हैं ना गणेश साहब, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंट लेकर आइए, यहाँ के मैनेजमेंट को और लीडरशिप को सुनाइए, समझाइए, ट्रेनिंग दीजिए और उनको और सशक्त कीजिए और एम्पावर कीजिए। लेकिन लेकिन फौजदार साहब, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि अमूल के कुछ प्रोडक्ट्स तो पहले से ही बिक रहे हैं ना सर, तो अभी सडनली क्या दिक्कत हो गई? और भी कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रोडक्ट्स और बिक रहे हैं कर्नाटका के अंदर? अंकित भाई वहां से लाकर यहाँ पे बिकने में और बिकवाने में पहले फौजदार साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ मैं आपके पास। फाइन, ओके। अमूल आइसक्रीम बिकती है, अमूल बटर बिकता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं कर्नाटक के अंदर आता है, बहुत सारे मार्केट्स में बिकता है, यहाँ तक कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर जब आप एक प्रोडक्शन यूनिट खड़ा करते हैं केएमएफ के खिलाफ और नंदिनी के खिलाफ, इसकी जरूरत क्या है? आप उसी को एक बिहार पर लेकर जाइए जहां पे आज बेरोजगारी ज्यादा है, उसी जगह यूपी पर लेकर जाइए जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पे एक नया प्लांट बनाकर आप वहां पे। सजेशन अच्छा दिया है आपने बिहार का, क्योंकि आप भी उस सरकार में छोटे से पार्टनर है, तो बता दीजिए कांग्रेस पार्टी की आप भी छोटे पार्टनर है बिहार में, कि वहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, वहां पर ये लग जाना चाहिए पूरा। लेकिन गणेश कार्णिक साहब, बात तो ये होगी ही ना, लोकल लोग कहेंगे ही ये बात, इस समय चुनाव की बात नहीं है, कि आप नंदिनी को और एक्सपेंड कीजिए, आप औरों को बाहर लेकर आ रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहे हैं, तो आप नंदिनी को इस फ्लैग खड़ा कर दीजिए कि अमूल की जगह पूरे देश के अंदर लोग नंदिनी ब्रांड खरीदने जाएं। देखिए अभी नंदिनी का एक्सपांशन तो हो रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारा देश में इसका ब्रांड बना के बेच रहे हैं। इनको जो तोडला ब्रांड है तेलंगाना से, उसके ऊपर फौजदार साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। कार्निक साहब पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी कार्निक, इनको इनका जो आंध्र प्रदेश का तोडला कॉपर सोसाइटी का प्रोडक्ट है वो कर्नाटक में बेच रहा है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोग्य नाम का ब्रांड तमिलनाडु से बेच रहा है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। ये अमूल और नंदिनी, अमूल गुजरात से है और गुजरात से प्रधानमंत्री है, इसीलिए चुनाव के टाइम पे लोग भड़काने बात उठा रहे हैं बस, और कोई नहीं है। अरे प्रधानमंत्री कोई नहीं है मेरे भाई, आज आए हैं कल चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए वो तो जनता को तय करना है, मेरे और आपके कहने से तो कुछ होना उसमें होना है नहीं। लेकिन केवी प्रसाद साहब, पॉलिटिकल मुद्दे के हिसाब से इस समय कोशिश जो है वो, जैसे आज हमने देखा कि किस तरीके से कई सारे संगठन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसे कर्नाटक जो कन्नड़िगा अस्मिता है उससे जोड़ा जा रहा है, कितना जमीन पर इस मुद्दे का ट्रैक्शन है, लोगों को इस बात से फर्क पड़ रहा है क्या कि नंदिनी या अमूल का दूध उनको मिल रहा है? क्योंकि देखिए प्राइस का फर्क तो होगा ही, तो कहीं ना कहीं क्या इसको कोशिश की जा रही है कि अमूल और नंदिनी वाला जो मुद्दा है वो लोगों से जुड़ पा रहा है जमीन पर या नहीं जुड़ पा रहा है? अंकित जी, जैसे आपको ज्ञात है कि जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा स्थानीय मुद्दा है जो कि कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है और वहाँ की एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संस्था से जुड़ी हुई है, जो कि रोज सुबह शाम रात हर घर में पहुंच रही है ना, हर घर में उसका दूध या उसके और प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो हर घर से कहीं ना कहीं ताल्लुकात है। और जब ये मामला एक इमोशनल हो जाता है तो लोगों को अपने आप उसमें कुछ चीज दिखती, राजनीतिक पार्टी की कोशिश रहती है और खासकर विपक्ष की कोशिश हमेशा रहेगी कि ये ऐसा मुद्दा है और ये ऐसा मुद्दा उनके हाथ आया है, जिसे कह रहे हैं चाहे आप वाद विवाद, तो हमने सुना आपके दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी अपनी राय भी रखी है, ये मुद्दा तो साफ है कि ये मुद्दा बन गया है इनके लिए। अब वो जनता के बीच में क्या है क्या नहीं है,
वो आर्थिक तंगी हो, आर्थिक जो समस्याएं हैं, आर्थिक जो समस्या को लेकर जो कांग्रेस पार्टी बात कर रही है जी, ये एक बड़ा मुद्दा बनने का पूरी क्षमता होती है, पूरी क्षमता है इसमें। मैं प्रसाद साहब आपसे एक जवाब और चाहूंगा, फिर मैं अपने दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास वापस जाता हूं। हमने देखा कि कर्नाटक में जो हिंदी भाषा को लेकर चाहे प्रदर्शन हो, जब मेट्रो में पोस्टर्स लग रहे थे तो हिंदी के जब साइनेज लगने शुरू हुए तो काफी उसके ऊपर प्रदर्शन हुआ, कुछ ग्रुप्स आए, उन्होंने वहां पे पेंट वेंट शुरू कर दिया। तो ये सब बड़े इमोशनल इश्यूज होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो रीजनल इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं इमोटिव होने के साथ साथ विभाजनकारी भी होते हैं, ये लोगों के बीच में थोड़ा यू नो विवाद भी पैदा करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया से वहां पर लोग जाएंगे काम करने के लिए उनको इस बात की परेशानी होगी, और वहां पर अब काफी सारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो शहर हो, बेंगलुरु हो या मैसूरू हो, जो शहर है वहां पे नॉर्थ इंडिया से जो सेटल्ड पॉपुलेशन है, वर्किंग फोर्स है, वो काफी ज्यादा है। तो क्या इसका काउंटर, एक पोलराइजेशन या काउंटर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अंकित जी देखिए, ये सोसाइटल इश्यूज हैं जो वक्त बे वक्त उठती रहती है, और हमने अगर बहुत आपको शायद याद होगा, नहीं भी हो, 1990 के दौरान पानी को लेकर कर्नाटक के साथ के राज्य, साथ वाले राज्यों से बहुत बड़ा भारी समस्या हो गई थी, काफी दिन तक विवाद रहा, लेकिन वक्त के बाद सुलझ गई। ऐसा तो नहीं कि पानी की समस्या सुलझ गई, लेकिन लोगों ने सुलझा लिया आपस में, क्योंकि मालूम है विवाद कहां तक हमारे समाज को एकत्र रख। अब बैंगलोर की जो आपने जिक्र किया, बैंगलोर में सिर्फ हिंदी भाषी नहीं, तमाम सारे राज्यों से लोग आके वहां काम करते हैं, क्योंकि बैंगलोर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, चाहे बैंगलोर के लीजिएगा, हैदराबाद के लीजिएगा, चेन्नई के लीजिएगा, ये सब राज्यों में और राज्यों से भी लोग आके काम कर रहे हैं, और अब तो एक तरह तो ऐसा नहीं है, लोग जो जा रहे हैं एक दूसरे की समझते हैं। वक्त लगता है कई बार, जब जिसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो जरूर होता है। पीछे आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट को लेकर पलायन हो गया था, बिल्कुल ऐसे ट्वीट को लेकर, तो वक्त तो होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा कर्तव्य इन विवादों को हवा देने का नहीं है, उन्हें सुलझाने का भी उनके ऊपर बड़ा कर्तव्य है। चुनाव आते जाते रहेंगे, जो पूरा सोशल फैब्रिक है उस पर इस तरह का असर पड़ेगा, तो एक बड़ा दूरगामी असर होता है। फौजदार साहब, आपको लगता है कि ये जो अमूल वर्सेज नंदिनी का मुद्दा आपको मिल गया है 40% करप्शन के मुद्दे के साथ, ये जो लोगों के मूलभूत मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, उससे एक बड़ा इमोटिव इश्यू हाथ लग गया है? जब कर्नाटक में 2018 में जब हमारी सरकार थी, सिद्धरामैया साहब की सरकार थी, तब एक दिन में 99 लाख लीटर दूध कलेक्शन होता था दिन में। आज 4-5 साल के बाद 70 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। और सीएम साहब की जब आपने क्लिप लगाई थी, उन्होंने कहा डबल हो गया है। बड़े सरकार वहां पे झूठ बोलते हैं, छोटे सरकार यहाँ पे डबल झूठ बोलते हैं, ये कंपटीशन चल रहा है इन दोनों में। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि करीब करीब 70-30% जो गिरावट आई है कलेक्शन में, इसकी इस कलेक्शन की वजह क्या है? इसलिए कि गवर्नमेंट, ये कर्नाटक की सरकार वक्त पे पशुओं की वैक्सीन नहीं लगा पाई, उसको उपलब्ध नहीं कर पाई, उसकी वजह से बहुत सारे जो पशु थे वो दूध देना बंद कर दिए या तो मर गए। इसकी वजह से आज 70 लाख पे उतर गया है दूध कलेक्शन। ठीक है, जब ये लोगों को जो है, जो चीज, जो विरासत में इतनी बड़ी चीज मिली है, उसको संभाल नहीं सकते। गणेश कार्निक साहब, इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने इसमें ब्रांड को और बढ़ा दिया है, वो तो आंकड़े बता के बता रहे हैं कि देखिए आपने इसका और हाल खराब कर दिया है। और दूसरी बात, ये 40% का करप्शन का मुद्दा हो, वो आपके खिलाफ इस वक्त जा रहा है। बेंगलुरु के लेक्स की हालत हमने देख ली है, वो बुरा हाल हो रखा है वहां पर, और साथ ही साथ अब ये नंदिनी का इमोटिव इशू आपके खिलाफ जा रहा है, कैसे काउंटर करेगी बीजेपी इसको? ये नंबर वन, ये खिलाफ तो नहीं जा रहा, ये जो नंदिनी की बात कर रहे हैं ना ये लोग, अभी ये अमूल ब्रांड को कर्नाटक में प्रमोशन किसने दिया था पहले से ही? और ये जो तेलंगाना से जो दोडला आ रहा है, या तमिलनाडु से जो आरोग्य नाम का मिल्क जो आ रहा है कर्नाटक में उसको बेचता है, इनको किसने परमिशन दिया? तब ये बात क्यों नहीं उठाया? दूसरी चीज, मेरे गांव के जो सोसाइटी है उसके साथ संबंध रखता हूँ, मैं उसका अध्यक्ष रहा हूँ 30 साल के लिए। बहुत छोड़ने के बाद मैंने खुद इसको साथ किया था। हमारा जो मिल्क उत्पादन है रोज, वो कम नहीं हुआ है, हर महीना बढ़ता जा रहा है।
ये जो आप बोल रहे हैं 99 लाख लीटर, ये पता नहीं इनको कहां से ये नंबर मिला है। 99 लाख लीटर तो कभी कलेक्ट नहीं हुआ कर्नाटक में, ये ऐसे बकवास बोल रहे हैं, बस फालतू बोल रहे हैं। इस बार ये जो डीसी ने और जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हाँ डिसीज हुआ था, थोड़ा कम हुआ है कलेक्शन में, लेकिन साहब कहां से आंकड़े कोट कर रहे हैं आप, पता नहीं कहां से कोट कर रहे हैं। कहां से आप आंकड़े कोट कर रहे हैं? केएमएफ के आंकड़े हैं। अच्छा ये बताइए अंत में, क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो गया, मैं फौजदार साहब आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बन जाती है, 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है कर्नाटका में, 13 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे, तो क्या अमूल की एंट्री को बैन कर देंगे आप? अमूल की एंट्री कर्नाटक में बंद, मतलब आपकी सरकार बनते ही पहला जो पूरा काम होगा वो ये होगा कि अमूल के सारे प्रोडक्ट कर्नाटक से बाहर, कुछ नई फैक्ट्री नहीं डलेगी अमूल की। साथ में आरोग्य और सबसे बड़ा काम हम रुक जाइए सर, सबसे बड़ा काम हमारी सरकार बनने के बाद, सबसे बड़ा काम कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आने के बाद ये होगा कि ये भ्रष्ट सरकार को के जो प्रैक्टिसेस थे उसको जीरो करेंगे। दूसरी बात है, पहले नंदिनी को और स्ट्रांग बनाएंगे, उसको और डबल करने की कोशिश करेंगे। फार्मर्स को जो 5 रुपए 1 लीटर के देते थे हम सब्सिडी, वो एक इंसेंटिव की तरह जो देते थे, शायद हम उसको बढ़ाएंगे। जो सरकार हम थे तब 4,500 करोड़ साल के, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप नंदिनी के लिए क्या करेंगे वो सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल पूछा क्या अमूल को बैन कर देंगे कर्नाटका से? वो कभी नहीं आंसर करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे, अमूल को परमिशन नहीं दिया था। एक मिनट फौजदार साहब फटाफट जवाब दीजिए, मेरे पास समय खत्म हो गया। नहीं डोडला को इन्हीं ने परमिशन दिया था, आरोप क्या को इन्हीं कार्निक साहब उनको जवाब देने दीजिए, अभी ये नहीं मानेंगे कि हम गणेश कार्निक साहब उनको जवाब देने दीजिए, समय खत्म हो गया मेरे पास। फौजदार साहब जवाब दीजिए क्या अमूल बैन हो जाएगा? इस दिन के बाद जब हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार इस राज्य में आएगी तो पहला हम ये काम करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट नंदिनी ब्रांड एंड देन गिव एन अपॉर्चुनिटी अमूल टू प्ले अ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन सबसे बड़ा काम है जवाब इसी जवाब से मैं अंत करता हूं, इसी में पूरी इस कर्नाटक के चुनाव की राजनीति देखिए छुपी हुई है। सीधा जवाब नहीं देंगे, अभी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए अमूल को लाकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नंदिनी को, जब इनसे सवाल पूछो कि आप क्या करेंगे तो कह रहे हैं हम उसे स्ट्रेंथन करेंगे, सरकार भी ये कह रही है हम भी स्ट्रेंथन करेंगे। इमोटिव इशू है पता है, चुनाव का समय है। नहीं फौजा सर मैं समझ सकता हूं, मैं इसकी राजनीति समझता हूं सर, मैं आपको आई डोंट वांट टू पुट यू इन अ स्पॉट, ऑल आई एम सेइंग राइट नाउ इज कि लोगों को ये बात समझनी होगी किस तरीके से चुनावों के समय जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो कैसे मुखर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि देश के अंदर बड़ी सारे ऐसे कोऑपरेटिव हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आपके राज्य में अगर कोई अच्छा कोऑपरेटिव काम कर रहा है उसको और बढ़ाइए, लेकिन क्या ये प्रोटेक्शनिज्म की जो राजनीति है इससे देश का कुछ भला होने वाला है क्या, ये बात जरूर समझनी होगी। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट है। आज और कल देश के अस्पतालों में इसको लेकर मॉक ड्रिल भी हो रही है, इस दौरान देखा जा रहा है कि अस्पताल ऑक्सीजन बेड ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत जरूरी उपकरणों को लेकर कितने तैयार। बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सतर्कता जरूरी है और केंद्र हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर यहाँ पे हूँ सर, आइए सर।